ये पुरानी सीढ़ी और यहाँ से ऊपर चढ़ रहे हैं, पुरानी लकड़ी की सीढ़ी है। तो दोस्तों लाइट हाउस पे हम लोग पहुंच चुके हैं और ये देखिए पुराने टाइम में बनाया होगा, 80-100 साल तो इसके हो गए होंगे देख के लग रहा है। और यहाँ से आपको दिखाते हैं बेहतरीन व्यू और कुछ फोटोग्राफ भी खींचते हैं, तो वो आप मेरे इंस्टाग्राम हैंडल जर्नीमैन गौतम में देख सकते हैं और कुछ रील भी आएगी, आप सब्सक्राइब फॉलो कर लेना चैनल को। और ये देखिए कितना बेहतरीन व्यू। तो दोस्तों यहाँ पर मैं चिप्स खा रहा हूँ और एक यहाँ पे मैं ले रहा हूँ टाइम लैप्स इधर के बादलों का। तो यहाँ पे देखिए कितने, अभी कितनी अच्छी तेज़ हवा चल रही है, तो मुझे डर भी लग रहा है गिर ना जाए। पहले मैंने यहाँ पे लगाया था तो फिर मैंने इसको नीचे ही रख दिया कि गिर ना जाए। और यहाँ पे देखिए हवाएं तेज़ चल रही हैं, ये देखिए गिरने जैसा भी हो रहा है और हवा देखिए कितनी तेज़ आ रही है। और अभी एक प्रॉब्लम भी होगी, वो भी मैं आपको बता रहा हूँ, थोड़ा हवा कम हो जाए तो। तो मेरे पास जो पावर बैंक था ये वाला, ये पावर बैंक ख़राब हो गया है। मैंने गाड़ी में चार्ज किया था तो उसके बाद पता नहीं अभी काम ही नहीं कर रहा है, तो मैंने दूसरे पावर बैंक से लगाया है। वो देखिए गाय भी आ रही है, इसको हम कहते हैं बुग्याल। और यहाँ से देखिए बादल उड़ रहे हैं, इसका ऑलरेडी टाइम लैप्स मैं ले रहा हूँ और इसके बाद मैं डाल दूँगा। यहाँ से देखिए पहाड़ों की जगह, अगर हाँ बिल्कुल ये साफ होते, बादल नहीं होते, तो यहाँ से हिमालय रेंज देख रहे हो कितनी बड़ी दिख रही है। तो सोचो अगर धूप के समय जब कभी हम आएंगे, अगर मौका मिलेगा तो देखिए कितनी बड़ी रेंज दिख रही है यहाँ से। तो ये लगभग 160-170 डिग्री की रेंज है जो हिमालय की पूरी दिखती। वैसे मैंने देख, मुझे पता नहीं यहाँ से दिखेगी नहीं दिखेगी, लेकिन हाँ उम्मीद है यहाँ से बिल्कुल दिखेगी क्योंकि काफ़ी हाइट में है ये, ये दूनागिरी से भी ज़्यादा हाइट में है ये। और नेगी जी घूमने गए हैं और वो थोड़ी देर में आ जाएंगे। तो ये भाई लोग जा रहे हैं नीचे को, ये लोग कल आए थे तो यहाँ रुक गए क्योंकि बारिश हो गई थी, तो अभी वापस जा रहे हैं। और ये जो टाइम लैप्स है मैंने ऑलरेडी डाल दिया, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा क्योंकि देखिए ये भी भीग रहा है, तो मोबाइल भी भीग गया मेरा ऑलरेडी, ये देखिए बैग भी भीग रहा है। तो मैंने थोड़ी कठिनाई में होके मैंने कहा टाइम लैप्स ले लेता हूँ क्योंकि बहुत ज़रूरी है था यहाँ से लेने का, बहुत प्यारा व्यू आ रहा था। और अब ठंडक भी बढ़ते हुए जा रही है और बारिश अभी रुक नहीं रही है, तो अभी देखते हैं जो सामने दुकान दिख रही है, तो देखते हैं अगर वहाँ कुछ मिलता है तो। और बाकी अब यहाँ से उतर जाते हैं और घर जाके मुझे लग रहा है बैग भी धोना पड़ेगा। और ये देखिए हवा कितनी तेज़ है और एक पावर बैंक तो मेरा ऑलरेडी ख़राब हो गया है, उसको बंद करते हैं। एक चिप्स का पैकेट और है, उनका नेगी जी भी आएंगे तो उनके साथ खा लेंगे, उसने कुछ खाया नहीं, एक पैकेट मैंने ही खा लिया था। तो अभी चलते हैं नीचे को और यहाँ से उतरते हैं नीचे। थोड़ा पुराना है तो थोड़ा सा डर लग रहा है उतरने में क्योंकि टूट ना जाए, ये काफ़ी पुराना है, लकड़ी का बना है सीढ़ियाँ। और पहले हम थे सेकंड फ्लोर में, अब हम आ गए फर्स्ट फ्लोर में। और यहाँ से देखिए नज़ारे। और यहाँ पे एक चीज़ मुझे बहुत बढ़िया लगी जो मैंने आपको शायद 2-3 बार बोल दिया, पेंट, जो पेंट किया है बहुत अच्छा पेंट किया है यहाँ पे, हरा पीला और लाल जो उसका कॉम्बिनेशन है अच्छा लग रहा है आंखों में। यहाँ भी शायद कुछ बन रहा होगा पता नहीं। और बाकी देखिए बिजली
यहाँ पहुँच चुकी है। पोल यहाँ से नीचे से आ रही है और मन ही नहीं कर रहा है कि यहाँ का, मन कर रहा है कि यहीं का व्यू देखते रहूँ और आपको भी दिखाते रहूँ, लेकिन आगे भी जाना है और भी चीज़ें दिखानी है तो टाइम हमारे पास कम है। वरना मन तो कर रहा है कि यहीं का व्यू दिखाते रहूँ और आज यहाँ रुक जाएँ, लेकिन बारिश रुकती है तो नीचे जाते हैं। तो ये कल मुझे घर को भी निकलना है, वरना मेरा जो अकेले का सफ़र है बहुत लंबा हो जाएगा। क्योंकि नेगी जी तो खैरना तक आएंगे, फिर वहाँ से मुझे अकेले डिस्टेंस कवर करना है, तो यहाँ से खैरना भी काफ़ी लंबा है। तो दोस्तों बारिश हो गई थी तो वहाँ से हम नीचे यहाँ पे आ गए हैं अंदर कमरे में बैठे हैं। तो आपको और भी चीज़ें दिखाते हैं। और एक है ये बताओ ये क्या है चीज़ है, आयुर्वेदिक है। आपको नाम नहीं पता? नाम मेरे ध्यान में नहीं आ रहा है। अच्छा, तो इसका नाम इनको अभी ध्यान में नहीं आ रहा, आएगा तो आपको बताएंगे। और ये वो है तुम्हारे चिरायता। ओके, अच्छा तो ये चिरायता, ये किस लिए यूज होता है? ये पेट साफ करता है। अच्छा, तो जैसे आप इसबगोल ये चीजें खाते हो? हाँ, उसी की तरह काम करता है ये है, लेकिन जड़ी बूटी पहाड़ी। हाँ, कड़वा होता है। हाँ हाँ, जड़ी बूटियाँ कड़वी होने वाली होगी। हाँ नेगी जी, बहुत बढ़िया। कैसे मिले कि मैं आऊँ? वहाँ बना लिया मैंने, वहाँ लेकिन हवा चल रही है। अरे अच्छा, तो धन्यवाद। कौन कौन सी बाबू जी बनाते हैं इसको? अच्छा, तो ऐसा है ना, कुछ तो यही होते लोकल की, कुछ बाबू जी भी लाते हैं। अच्छा, नाम तो बाबू जी को पता है, जो यहाँ होती है लोकल की वो हम बता देंगे। ये भी जड़ी बूटी है, ये बाजार चलती है। और ये बताओ, जो ऐड आता ना टीवी में, हां हां, बीको बजरंगी। और ये बताओ, पत्थर चट्टा बोलते हैं इसको, जैसे पहाड़ी में बोलते हैं सिल्फर की जड़। अच्छा, ये स्टोन का काम आता है। अच्छा, और ये वाला, ये तो पेट साफ करने वाला ना? हाँ, चिरायता। ये पेट साफ भी हर चीज के लिए एंटीबायोटिक है। अच्छा, ये पेट साफ, फीवर, वॉमिटिंग वगैरह, सर दर्द, बुखार। अच्छा, अभी मैंने खाना खा लिया, मैं डाल देता हूँ, आता रहता हूँ, मेंबर हूँ। अच्छा, यहाँ मेंबर हो आप? ये वही, ये जो समिति समिति, ये संघ लिखा हुआ है, जो क्या नाम है संघ का? और देखिए इतनी बजरदंती साफ हो चुकी है, वहाँ पे रखी है, और इतनी और बची है। अब इसको प्रोसेस जो इसकी है हल्दी की तरह होगा, इसको सुखाएंगे और फिर इसको कूटेंगे हाथ से, ठीक है? इसको पकाते भी हो? अच्छा, ये हल्दी पकाते हैं ना? अच्छा, इसको सुखाने के बाद सफाई करके कूट दोगे? अच्छा, कूटने के बाद इसका पाउडर बना दोगे? अच्छा, तो आपने जो पहले डाबर लाल पेस्ट आता था तो देखा होगा, पाउडर वाला पाउडर आता था बहुत पहले, तो यही आता था, उसको पीस के, हो सकता है उसमें मिलावट हो या कितनी हो मुझे पता नहीं, लेकिन इसका प्रोसेस इतना है। ये जो मंजन, ये इसका ऐसे बनता है, इसको सुखाएंगे, इसको कूटेंगे और फिर इसको सेल कर देंगे या अपना इस्तेमाल करेंगे। तो ऐसी कुछ इसकी जड़ें होती है, देखो ये धरती के अंदर होता है, जैसे आपका पिनालू हो गया, आलू हो गया, तो ऐसी कुछ इसकी जड़ें। और ये देखिए, इसको साफ़ कर रहे हैं और फिर वहाँ पर जो है साफ़ करा हुआ और वहाँ पर रखा हुआ है, तो ऐसे साफ़ करके ऐसा आ जाएगा। ये देखिए पूरी इसकी खाल निकाल रहे हैं। और ये नेचुरल मंजन है, ये देखिए। तो पहले ऐसा कुछ था, ये देखिए, ये जड़ ले लेता हूँ, देखिए ऐसा कुछ था, ठीक है? और अब इसको वो निकालने के बाद देखिए हल्का सा लाल हो गया है। और अब इसको जैसे ये देखो थोड़ा तोड़ लेंगे यहाँ से और फिर इसको सुखाएंगे, अभी तो बहुत गीला है ये, और फिर इसको ओखली में या बड़ा सा इनके पास कुछ ओखल, यही होगा ना, ओखल में कूटते हो ना? उसमें कूटते लोहे का जो होता है। हाँ, लोहे का, इमाम दस्ते में। इमाम दस्ते में बड़ा वाला होगा। हाँ, तो वही ओखली जैसा ही हो गया वो। तो पहले ओखली में कूटते थे, आजकल इमाम दस्ता हो गया, तो मॉडर्न ओखली। तो उसमें कूट के इसका पाउडर बनाएंगे और फिर उसको हम सुबह ब्रश करने में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये आयुर्वेदिक है, ये वहाँ रख दिया है। तो दोस्तों ठीक है, दोस्तों अब हम यहाँ से निकल रहे हैं और समय हो गया 3:00 बजने वाला है, 2:55 हो गए दिन के। और देखिए चारों तरफ बादलों ने घेर लिया है। जब हम आए थे बारिश हल्की हल्की हो रही थी और फिर जब रुके तो भयानक बारिश हुई। जूते देखिए पूरे ख़राब हो गए और जीन्स भी ख़राब हो गई हैं। सफ़र का असली मज़ा तभी है अगर आप ट्रैकिंग कर रहे हो, जूते और कपड़े आपके ख़राब ना हो, और गाड़ी से जा रहे हो तो गाड़ी भी ख़राब होनी चाहिए। अब हम नीचे जा रहे हैं और फिसलन भरा बहुत ज़्यादा है। अभी मैं आते समय भी थोड़ा स्लिप हुआ था यहाँ पर, तो मुझे थोड़ा केयर करके चलना पड़ेगा। तो एक अच्छी खुशखबरी है, तो भोलेनाथ ने यहाँ पे
बारिश को रोक दिया थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर के लिए मतलब जितनी भी देर के लिए रोका है अभी तो रोक दिया है। तो ये है पूरा बुग्याल, वहाँ पे देखिए निकी जी आते हुए, और यहाँ से भी हमने कुछ टाइम लैप्स मैंने यहीं से लिया था और फोटोग्राफी करी थी। मैं यहाँ पे खड़ा हुआ था, बहुत छोटा आ रहा था तो निकी जी ने ली थी मेरी दो चार फोटो हैं। और बस हम यहाँ से नीचे जाते हैं और ये देखिए बैल गाय शायद यहीं रहती होगी। बारिश रुक गई यार, और अब नीचे जाने में लगता नहीं कि ज़्यादा समय लगेगा, कोशिश करेंगे 20 से 25 मिनट ही लगेंगे। लेकिन ये एक दिक्कत है कि स्लिप ना हो, क्योंकि पत्थर जाते हैं, हाँ पत्थर वाली जगह में स्लिप, लेकिन थोड़ा यहाँ पे कीचड़ वीचड़ वाला है, वहाँ पे स्लिप होने का है। ये अभी जब हम रुके कितने बजे, 2 घंटे रुके ना हैं, हाँ 1.5 घंटा हम रुके, तो उस बीच भयानक बारिश हुई तो उस वजह से थोड़ा और पानी भर गया है। अब नीचे जाने में आराम आराम से थोड़ा केयरफुली चलना पड़ेगा। और बारिश हो रही थी तो बैग में भी ये देखिए ये रेन कवर लगा दिया बैग का, क्योंकि इसमें मोबाइल भी है, मोबाइल तो जेब में रखा है अभी, मतलब पर्स है, और खाने का भी 1-2 आइटम थे, और मेन चीज़ है गाड़ी के कागज़ भी इसी में, तो भीग जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी। और दोस्तों तो हम निकल रहे हैं जंगल से, और यहाँ पर घना कोहरा छाया हुआ है, मतलब इसका मतलब तुम्हारा बता, तो बादलों ने पूरे पहाड़ों को घेर लिया है। तो आगे देखिए आपको लग रहा होगा, ये देखिए पूरा कोहरा कोहरा है, तो स्लिप भी बहुत साइड हो रहे हैं पत्थर, तो साइड साइड में चलने में थोड़ा रिस्क है, क्योंकि डाउन है और जूतों की ग्रिप मिट्टी लगने की वजह से कमज़ोर हो गई है, कमज़ोर क्या मतलब ख़त्म ही समझो आप, तो मिट्टी लगने की वजह से तो पत्थरों में भी थोड़ा साइड साइड से चलना पड़ रहा है। खुला एरिया आया है तो आपको दिख रहा होगा कितना ज़्यादा कोहरा लगा है, घना बादलों ने सब घेर रखा है, तो देखिए ये बगल वाला पेड़ भी ढंग से नहीं दिख पा रहा है, तो इतना ज़्यादा कोहरा लगा है। और अब बारिश हल्की हल्की तेज़ होने लग गई है, और अब तो हमारे कपड़े भी भीगने लग गए हैं, टी शर्ट भीग चुकी है लगभग पूरी तरीके से, आपको दिख नहीं रहा होगा, और जीन्स भी भीग गई है। तो देखते हैं अगर नीचे जाके गाड़ी में चेंज करें, या फिर अगर काम चल जाएगा तो बाद में चेंज कर लेंगे। और पत्थरों में चलने में एक दिक्कत और हो रही है, क्योंकि ये देखिए क्योंकि पत्थर उबड़ खाबड़ है और डाउन है यहाँ से, तो डाउन में स्पीड थोड़ा बढ़ जाती है, तो पैर भी मुड़ने के आसार रहते हैं, कभी कभार पैर गलत पत्थर में पड़ गया और इधर उधर हो जाएगा, तो इसका भी थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। और अभी जैसा मुझे लग रहा है जैसे हम भीग रहे हैं, तो अगर ज़्यादा भीग जाएंगे तो कपड़े को यहीं पे ही नीचे गाड़ी में ही चेंज कर देंगे, तो हाँ मैं कह रहा था कि जैसे भीग जाएंगे तो जुकाम लगना बीमार होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, तो क्योंकि जूते तो हम बिल्कुल उतार देंगे, जूते मुझे ख़राब हो चुके हैं, और कपड़ों का भी हाल ऐसा होगा तो टी शर्ट तो बिल्कुल चेंज कर देंगे, क्योंकि ये ना हो ठंडक लग जाए और आज नहीं तो कल परसों बीमार पड़ जाए। और दोस्तों बारिश बढ़ते हुए आपको दिख रहा होगा मैं भीग गया हूँ, बाल तो मेरे पूरे भीग गए हैं, चेहरे को मैं बार बार रुमाल से साफ़ कर रहा हूँ, और टी शर्ट भीग चुकी है, जीन्स भी भीग गई है, लेकिन दिख नहीं रही होगी क्योंकि डार्क कलर है। तो देखिए अब हम नीचे पहुँचने वाले हैं, और कोहरे से बादलों से पूरा जो पहाड़ है घिरा हुआ है, और भीग तो मैं काफ़ी बहुत ज़्यादा गया, मोबाइल भी बहुत ज़्यादा भीग गया, बस मुझे अपना नहीं है बस मोबाइल को दिक्कत ना हो, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा जानकारी है जो अभी रिकॉर्ड करी है हमारे ट्रैवल की, तो उसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ से व्यू लिया था ये देखिए, वो देखिए वो पहाड़ी की चोटी में यहाँ पे एक घर है, कितना बढ़िया लग रहा है, घर है मंदिर है पता नहीं, वो बहुत बढ़िया लग रहा है। और ये पेड़ ये पहाड़ मैंने आपको ऑलरेडी दिखा दिया था, तो अब शायद ज़्यादा रास्ता नहीं होगा, वहाँ कहीं हमें जाना है, ये यहाँ पे हमें जाना है, तो 15-20 मिनट और लगेंगे पहुँचने में, हम निकले थे वहाँ से 2:50 शायद ना, तो हमें 20 मिनट हो रहे हैं,
वहाँ से निकले, 20 मिनट हो रहे हैं, 10-15 मिनट और लगेगा और पहुँच जाएंगे नीचे। और अभी हमने आधा डिस्टेंस कवर कर लिया है और नीचे जाते समय भी टाइम लग रहा है, हमें लग रहा था 20-25 मिनट से ज़्यादा लगेंगे नहीं, और लेकिन अभी हमें 40 मिनट होने वाले हैं तो 15-20 मिनट और लगेंगे, लगभग 1 घंटा लगेगा नीचे जाने में भी। और मुझे लग रहा है कि मुझे जुकाम लग जाएगा क्योंकि मेरी नाक हल्की हल्की बहने लग गई है। तो दोस्तों घने जंगल को पार करके हम आ गए हैं, ये देखिए अभी तो कुछ भी नहीं दिखेगा यहाँ से, मतलब 2-3 पहाड़ी कवर करके हम गए थे और अब हम यहाँ पे पहुँच गए जहाँ से चढ़ाई स्टार्ट हुई थी, असली चढ़ाई। अब यहाँ से तो नॉर्मल ही है, कोहरा बादल ने सबको घेर लिया है, तो जो आसपास की जितनी भी नज़ारे सीनरी थी जितना मैं आपको दिखा पाया जाते समय तो बस वही था, आते समय तो सब चीज़ें ढक चुकी है, बंद हो चुका है तो कुछ भी नहीं दिख रहा, मुझे खुद ही नहीं दिख रहा। देखिए सामने जितना आपको दिख रहा है उतना मुझे ही दिख रहा है। तो अब जैसे नीचे पहुँचे यहाँ पे कुछ कुछ नज़ारे दिख रहे हैं और कोहरा अभी भी है घना, लेकिन कुछ कुछ दिख रहा है। और जो आपको ऊपर कैफ़े दिखाया था जहाँ से स्टीप चढ़ाई थी वहीं तक ये तार लगे थे, ऊपर तो आपको कहीं भी नहीं दिखे होंगे, तो मुझे पहले लगा ऊपर तक लगे होंगे लेकिन ऊपर कहीं नहीं, अगर लगे होते तो बढ़िया रहता, लेकिन ये इस वजह से भी नहीं लगे होंगे जानवरों की वजह से, क्योंकि वरना जानवर क्रॉस नहीं कर पाते, क्योंकि जब उनको रोड क्रॉस करनी होती है, मतलब ये छोटा सा पगडंडी रोड ही हुई उनके लिए, तो क्रॉस करनी पड़ती तो उनको दिक्कत हो जाती, तो इस वजह से ऊपर नहीं लगा होगा। और यहाँ शायद कोई आसपास, तो यहाँ आसपास कोई गांव का एरिया होगा तो इस वजह से उन्होंने लगा रखा होगा, क्योंकि बच्चे बच्चे बहुत जाते होंगे उनके गांव वालों के, किसी के छोटे बच्चे होंगे तो जिससे दुर्घटना से बचा जा सके। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, तो यहाँ पे कितना प्यारा व्यू दिख रहा है, बादल भी दिख रहे हैं लेकिन ऐसे नहीं लगे जैसे यहाँ पे देखिए ये, तो हम यहाँ पूरा जंगल में, ये आपको पहाड़ दिख रहा होगा, इसके भी पीछे हम पहाड़ था वहाँ पे गए हैं, तो ये जो इस साइड आपको पहाड़ दिख रहा होगा लगभग इतनी हाइट में था वो, तो ये देखिए यहाँ पे कितना बढ़िया लग रहा है, अब लग नहीं रहा कि बारिश हो रही होगी। और जहाँ से हम आ रहे हैं तो हमारी हालत देखिए, तो बस अब पहुँचने ही वाले हैं, तो बस इंतजार है जल्दी से पहुँच के, सबसे पहले जूते खोले जाए। ये देखिए आपको भीग के पूरे ख़राब हो गए अंदर, जूते ख़राब की कोई दिक्कत नहीं है, मेन चीज़ है कि अंदर पानी घुस गया होगा तो पैरों में दर्द होगा, और अभी जीन्स भी भीग गई है तो पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है नीचे जाने में, क्योंकि जो ग्रिप बनाते हैं तो आगे जो पंजे होते हैं आगे, तो वो रोकते हैं, वो ऐसे रोकते हैं कि जिससे कि स्लिप ना हो, तो वो भीग गए हैं तो दिक्कत हो रही है रोकने में, तो पैरों में भी दर्द हो रहा है। और देखते हैं अगर कोई मसाज वाला मिल जाएगा, वैसे मुझे लगता नहीं एरिया में मसाज वाला कोई मिलेगा, लेकिन हाँ मसाज की आज ज़रूरत है पैरों में। तो अभी ये देखिए मैं स्लिप होते होते बच गया, क्योंकि तो यात्रा हो चुकी है हमारी समाप्त, हम पहुँच गए जहाँ से हमने यात्रा स्टार्ट करी थी। तो ये देखिए यहाँ पे था हमारा पार्किंग गाड़ी का स्थल, और यहाँ से हमने खाई थी मैगी और पी थी चाय, और अभी चाय नहीं पियेंगे, अब सीधा निकलेंगे कपड़े चेंज करके, क्योंकि चाय के टेस्ट में भी उतना ज़्यादा मज़ा आया नहीं, अच्छी होती तो दोबारा पी लेते। देखिए मोजो की हालत ऐसी हो गई, पैरों को थोड़ा रिलैक्स मिला, देखिए जब मसाज वाला होता कहीं मसाज जो करा लेते हैं, तो बॉडी मसाज नहीं होता हाथ पैर वाली। ये देखो ये भी होने लग गया थोड़ा गीले होने से ना। तो दोस्तों मैंने चेंज भी कर लिया है, क्योंकि चेंज नहीं करते तो भीगते तो बीमार होने के चांसेस थे, तो चेंज कर लिया, अब जा रहे हैं दूनागिरी और फिर वहाँ से निकल जाएंगे कुछ रास्ते में खाके खैरना घर की तरफ। और ये देखिए मौसम बादल अभी भी ऐसे लगे हैं, तो अब आपको दूनागिरी में ही पहुँच के मिलते हैं।